दोस्तों आज आपके लिए ताज नेट्स लेके आए हैं, गुलेल के रबर जो शिकार में यूज़ होते हैं, परिंदे के, खरगोश के, बहुत सारे कामों में यूज़ होते हैं। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, तो आपको आज गुलेल के रबर के बारे में बताते हैं। तो देखिए, ये है आपका गुलेल के रबर। अभी इसमें टोटल 5 साइज़ आता है, अभी फ़िलहाल 3 अवेलेबल है मेरे पास। ये जो स्टार्टिंग वाला है, जो फर्स्ट वाला है, यहाँ रख देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट वाला है, ये एक नंबर बोलते हैं इसको। ये सबसे मोटा, इससे मोटा नहीं आता क्वालिटी, ये देख सकते हैं, ये एक नंबर। उसके बाद आता है 2 नंबर, उससे थोड़ा मीडियम क्वालिटी है। ये जनरली यही यूज़ होता है 2 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा होलसेल और बल्क में यही जाता है। और फिर आता है 3 नंबर, ये पतला है, ठीक है, 3 नंबर पतला हो गया। यार इससे एक पतला आता है, वो 4 नंबर, अभी फ़िलहाल वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। और इसमें 2-3 कलर आते हैं, एक तो येलो है जो आपके सामने है, दूसरा रेड है, और तीसरा ब्लैक आता है। 3 कलर आते हैं इसमें। तो आपको गुलेल के रबर का ऑर्डर भी अगर होगा, रिटेल में चाहिए वो भी मिलेगा, होलसेल में चाहिए तो भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और उसके साथ साथ सिंकर्स भी लेके आए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सिंकर्स चाहिए हमें। ये सिंकर्स मतलब क्या हो गया, वेट, जाली के नीचे जो वेट लगाते हैं। ये लेड है, सीसा है, रांगा है, ठीक है। इसमें सब शेप्स हैं, ये देखिए, ये 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 22 ग्राम, फिर ये 15 ग्राम का है, ये 20 ग्राम का है, ये 20 ग्राम का है, ये भी 20 ग्राम का है, ये 45 का है, ये 50 का है, और ये भी 45 का है। ये देख सकते हैं आप सब लेड। और इसमें आयन आता है, ये देखिए, ये आयन पाइप बोलते हैं इसको। इसमें मोटा रस्सी आप डाल सकते हो, ये देखिए, इसमें 8 mm 7 mm रस्सी जाएगा आराम से। ये पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ठीक है। और ये जो है, ये कलकत्ता गोली कास्टिंग बोलते हैं। ये जो छोटा वाला गोली उसे 1 नंबर बोलते हैं, और ये बड़ा वाला गोली को 2 नंबर बोलते हैं, देख सकते हैं आप। जाल काठी भी बोलते हैं इसको। ये सब आयन है, और जो आपको पहले दिखाया था ये सब लेड है, ये देख सकते हैं, सब ओरिजिनल रंगा आएगा। देखिए, रांगा का एक ख़ास बात है कि पानी में, खारा पानी हो, मीठा पानी हो, कुछ भी हो, इसमें सड़ेगा नहीं, लाइफ टाइम है ये। और आयन का ये बात है कि जंग लगेगा, लेकिन रेट में बहुत डिफरेंस है आयन और लेड के, दोनों के रेट में बहुत डिफरेंस है, देख लीजिए।